की नई पहचान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी पर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने नई दिल्ली राजघाट से प्रारंभ हुई यह मोटर कार रैली शुक्रवार को पटना होकर धनबाद पहुंची। धनबाद में मोटर कार रैली का जोरदार स्वागत हुआ। शनिवार की सुबह यह मोटर कार रैली कोलकाता के लिए रवाना हुआ। मंत्री अमर बावरी ने हरी झंडी दिखाई। मौके पर सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, एसएसपी, उपायुक्त समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी के अलावा सड़क सुरक्षा सेल के अधिकारी पुष्कर कुमार, विवेक, टीटीओ समेत स्कूली बच्चे उपस्थित हुए। मोटर कार रैली विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए बांग्लादेश होकर म्यांमार पहुंचकर समाप्त होगी। उक्त रैली में 10 गाड़ियों के साथ 40 लोग शामिल हैं। अरुण भाटिया ने बताया, रैली का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत करना है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, मोबाइल से बात करने से परहेज करें, चार पहिया वाहनों के परिचालन के समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। वर्ष के उपलक्ष्य में ये रैली किया जा रहा है और उसके साथ साथ सड़क सुरक्षा के ऊपर भी जो सड़क सुरक्षा में क्या क्या लोगों को बता रहे हैं आप? सर, सड़क सुरक्षा में हम लोग यही बता रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे चीजें अगर आप याद रखो, जैसे सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट पहनना, ये सब करके अगर आप चलते हो, प्लस गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल का यूज़ मत करो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप मानकर चलते हो तो आप अपने को ही नहीं बचाते हो। ये मत समझिए कि पुलिस पकड़ेगा, बल्कि आप हेलमेट पहनना है। आप ये सोचिए कि आप हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि आप अपने को बचाते हो और अपने पूरे परिवार को बचाते हो। अगर आपको कुछ होता है तो आप ही नहीं मुसीबत में पड़ते हो, आपका पूरा फैमिली मुसीबत में पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग यही बात बताते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, आप सबके बारे में सोचो जो आपके पीछे घर में बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं। ये यात्रा आप लोग कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ किए हैं? शुरू किए थे पोरबंदर से हम लोग आए थे, भरूच से पूना गए थे, पूना से हम लोग आए वर्धा से जबलपुर से हम लोग आए लखनऊ से गोरखपुर से पटना से अभी धनबाद पहुँचे हैं, और धनबाद से हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं, शांतिनिकेतन होकर कलकत्ता से ढाका जाएंगे, बांग्लादेश से अगरतला भारत में फिर निकलेंगे, अगरतला सिलचर मणिपुर होकर के बर्मा में, और 24 तारीख को यांगोन शहर में ये रैली खत्म होगा। स्पोर्ट्स क्लब का सदस्य कलिंगा मोटर स्पोर्ट्स क्लब जो आयोजन कर रहा है उसको स्पॉन्सर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज। कलिंगा स्पोर्ट्स मोटर स्पोर्ट्स कलिंगा मुख्य है। मेरी 150वीं जयंती के अवसर पर ये सड़क सुरक्षा से लेकर के जो रैली निकाली गई है दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक, ये अपने आप में जागरूकता फैलाने के लिए इस क्षेत्र में कारगर सिद्ध होगा। जिस तरह से रोड एक्सीडेंट में लोग अपने प्राणों को त्यागते हैं और जिस तरह से अन सेफ्टी के कारण और थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि एडवेंचर और थोड़ा सा फैंटेसिज्म के कारण जिस तरह से युवा काल के गाल में संभालते हैं, इसके लिए रोड में सेफ्टी और जागरूकता से संबंधित जो भी है, चाहे हेलमेट की वेयरिंग हो, चाहे सीट बेल्ट बांधना हो या सेफ ड्राइविंग हो, ये सारी चीज़ों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और असमय अकारण जो लोग मौत को प्राप्त हो रहे हैं उससे बचना भी चाहिए। सरकार कितनी गंभीर है? सरकार गंभीर है, सरकार तो हर जगह चाह रही है भाई, प्रशासन लगाते हैं, हेलमेट चेकिंग पकड़ते हैं, अनसेफ ड्राइविंग पकड़ते हैं, उनको फाइन करते हैं, उसके बाद भी लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो कानून तो बना हुआ है, कानून का पालन करें लोग तो सब कुछ देते हैं।